हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के नेक्स्ट में, वो है हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मींस जंगल। जंगल होता क्या है? ऐसा एरिया, ऐसा लैंडस्केप जहाँ पर हमको ट्रीज का डोमिनेंस देखने को मिले, उस पर्टिकुलर एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। सिर्फ हमने बात की लकड़ी की, ट्रीज की, ठीक है, पेड़ की, पौधों की। अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारा होगा क्या, वहाँ एक इकोसिस्टम फॉर्म करेगा जहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे हम लोग बहुत सारे चीज़ कन्वे कर सकते हैं, जैसे कि अगर जहाँ ज़्यादा ट्रीज है वहाँ सॉइल इरोजन कम होगा, वहाँ पर फर्टिलिटी हमारे सॉइल का ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमारे उन टॉपिक से, उन बेसिक से रिलेट हो जाते हैं। तो ये सब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उन साइड चीज़ों को, जो साइड में है, वो भी हमको रिलेट करते चलना होगा ताकि हम अच्छे से समझ पाए एक दूसरे टॉपिक्स के बीच में और हम उसको रिलेट कर पाए। तो चलिए हम लोग पहला इसका डिफिनेशन देखते हैं। फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला, ए लार्ज एरिया इन विच देयर इज ए डोमिनेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज का जहाँ डोमिनेंस हो उस लार्ज एरिया में, उस एरिया को हम बोलेंगे फॉरेस्ट। जाहिर सा बात है, जहाँ ट्रीज होंगे तो हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स भी ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे। ये थी कुछ बेसिक्स हमारे फॉरेस्ट के बारे में। अब हमारे कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, स्पेशली फाइव, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे नोट्स में, बुक्स में आपको बहुत सारे तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 20-25 भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब सारे इन्हीं के सब टाइप्स, या हम कहें इन्हीं के ब्रांच हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मेनली पांच पढ़ेंगे जिनसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली हमारा फाइव तरह का होता है। पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये दो हम एक साथ लेते हैं। सेकंड है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। और फिफ्थ है हमारा लिटरल या फिर एंड साथ में स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेसिडुअस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे थॉर्न, उसके बाद माउंटेन और फिर लिटरल एंड स्वैम फॉरेस्ट को हम लोग डील करेंगे। अब हम लोग एक एक करके अपने सारे फॉरेस्ट को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला फॉरेस्ट देखते हैं, जो कि है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। इट मीन्स ऐसे जंगल वहां पाए जाते हैं जहां का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो और ह्यूमिड मीन्स नमी भी वहां हो, तो ऐसा में हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जहां का एनुअल रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर होता हो। तो ये सब क्राइटेरिया आपको याद करते चलना है ताकि ये सब पॉइंट से भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है, वहां का मीन एनुअल टेम्परेचर हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। तो ये तीन इसके कंडीशंस हो गए जो कि एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को हमें मिलते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग दोनों को तो साथ में देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, और जैसे कि आप वर्ड में भी देख रहे हैं सेमी एवरग्रीन, इट मीन्स इसी का अगर हम हाफ कर दें, इस रिस्पेक्ट में नहीं, टेम्परेचर रेनफॉल तो यही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों को थोड़ा बारीक अलग करते हैं। वो क्या है हम देखते हैं। जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन का ट्रीज है वो रीच करता है हाइट 60 मीटर या उसके ऊपर तक का, वहीं सेमी एवरग्रीन का उससे थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल अपने मैक्सिमम जो हमारा ये है देखेंगे हम लेंथ पे होता है, वो यहाँ पर
थोड़ा कम में भी सेमी एवरग्रीन में वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो स्पेसिफिक टाइम फॉर शेडिंग ऑफ द लीव्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कोई ऐसा टाइम नहीं होता है, एक फिक्स टाइम जहां पर आप बता पाएं कि यहां पर पत्ते इसके झड़ेंगे या फिर नहीं झड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हमारा एग्जाम्पल हो गया रोजवुड और इबोनी, वही हम चलते हैं हमारे सेमी एवरग्रीन में। दीज फॉरेस्ट फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स, इट मीन्स ऐसे ही एरिया जहां पर थोड़ा कम भी बारिश हो वहां पर हमको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसे हम बोल सकते हैं कि यह मिक्सचर हो सकता है एवरग्रीन का और मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट का। तो सेमी एवरग्रीन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेमी एवरग्रीन मीन्स थोड़ा सा उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट का होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ा सा आपका डेसीडुअस फॉरेस्ट का। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज देखने को मिलते हैं, वो है हमारा सेडर, हॉलॉक और केल। तो अभी हमने जाना अपने पहले फॉरेस्ट के बारे में जो कि था ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे जो कि है हमारा डेसीडुअस फॉरेस्ट। तो देखते हैं पहले ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट का कुछ बेसिक्स। इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि चार फॉरेस्ट आपको दिए हुए होंगे और उनमें पूछा जाएगा कि इनका दूसरा नाम क्या है। तो डेसीडुअस फॉरेस्ट का दूसरा नाम भी हमें मिला मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एनुअल रेनफॉल हमारा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, जबकि हमने एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन का देखा था कि वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो एनुअल रेनफॉल है वो घटता जाएगा, उस तरह हम लोग अपने सारे फॉरेस्ट को देखते चलेंगे। तो हमारा एनुअल रेनफॉल हो गया 70 से 200 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसा वाटर इसी रेंज में 70 से ही 200 के बीच में, जैसा एक हम लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बेस एक बीच का मिडिल पॉइंट बना रहा हूं 70 और 200 के बीच में 100। तो जब 100 से 200 के बीच में बारिश होगी, वर्षा होगी, तो हम उसे कहेंगे मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट। वहीं 70 से 100 के बीच में जिस एरिया में होंगी और वहां जो जंगल पाए जाएंगे उसे हम बोलते हैं ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। तो ये हम डेसीडुअस फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो चलिए देखते हैं मॉइस्ट और डेसीडुअस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट का एनुअल रेनफॉल हमारा 100 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, वहीं ड्राई डेसीडुअस का 70 टू 100 के बीच में। हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें कि हमारा मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालय के फुट हिल्स में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में और उड़ीसा में। तो ये चार स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां हमें मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कुछ ट्रीज हैं जो हमारे इस कैटेगरी के फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे कि टीक, साल, आमला एट्सेट्रा। वहीं अगर हम ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट देखें कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो रेनर एरियाज जहाँ बारिश होती है हमारे पेनिनसुला में और प्लेन्स में, यूपी एंड बिहार में खासकर। साथ ही साथ वो ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट हमारे मिलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन में। एग्जाम्पल कुछ ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट के हैं हमारे पलास, बेल, खैर एट्सेट्रा। तो इस क्लास में हमने देखा अभी ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट को, और इससे पहले हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, क्योंकि वो आपके लिए भी देखना भी हेक्टिक हो जाएगा और समझना भी। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही देखेंगे और डाइजेस्ट करते चलेंगे ताकि वो हमारे लिए परमानेंटली रिटेन रहे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने बाकी बचे 3 फॉरेस्ट को देखेंगे। आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।